हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपको अपने बालों के बारे में बताने जा रही हूँ कि पहले मेरे बाल काफ़ी डैमेज थे, कर्ली हेयर थे और मैंने अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाया है, केराटिन करवाया है, तो उसकी वजह से केराटिन के बाद में मेरे बाल काफ़ी खूबसूरत और अच्छे लगने लगे हैं इस तरह से। और जब भी मैं पार्लर में कहीं जाती तो मुझे कहते हैं कि आपके बाल काफ़ी रफ़ हो चुके, आप इसको ट्रीटमेंट करवाओ। तो एक मैंने एक ऐसी जगह मुझे मिली, मैं वहाँ जाकर मैंने अपने बालों का केराटिन करवाया, काफ़ी ख्याल रखा और करीब दो महीने, डेढ़ या दो महीने के बाद में मुझे इसे हेयर स्पा करना था। तो मैं जावेद हबी पार्लर गई थी और फिर वहाँ पर मैंने किया था हेयर स्पा और बहुत अच्छी तरह से किया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, अब मैं फिर से मैं उनका नंबर डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे जाके करने के बाद में वो मेरे बाल का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया, क्योंकि काफ़ी डैमेज भी बाल हुए थे मेरे और टूटते थे, बहुत कमज़ोर हो चुके थे। तो उन्होंने मेरे बाल का बहुत अच्छे से मसाज ये सब चीज़ें किया, काफ़ी अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से किया। मैं आपको ठीक से बयान नहीं कर पाऊँगी, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे मसाज की थी। तो उसी तरह से मैंने उनको कहा था कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं जल्दी से, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप लॉयर का इस्तेमाल कीजिए, जो मैंने अभी लाई हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ, पहली बार कर रही हूँ। तो मुझे लाइट ब्राउन चाहिए था तो मैंने ये कलर चूज़ किया है, इसका इस्तेमाल करूँगी। और मैंने इसको ओपन किया है, इसमें से एक ये बॉटल है, इसके साथ में कलर है। हेयर वॉश करने के बाद में हम इसका इस्तेमाल करके इसको हेयर वॉश करना है और जो भी जानकारी है इस चिट में सब लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और हैंड ग्लोव भी है जो हम हाथ में लगा के यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें यूज़ इस्तेमाल करना है तो पहली जिसके अगर हेयर अगर बड़े हैं, लंबे हैं और फर्स्ट टाइम आपको यूज़ करना है, पूरे बाल में लगाना है, तो इसी बॉटल का भी इस्तेमाल कीजिए। इसी में हमें पूरा मिक्स करना है, अच्छे से मैश, मतलब बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है और करने के बाद में हमें पूरा इस तरह से अप्लाई करना है, ऐसे ऐसे करके, और अच्छे से मसाज भी करनी है, इस तरह से मसाज करनी है। और उसके बाद में हमें रखना है, अच्छे टाइम रखना है ताकि वो कलर आ जाए। तो बस मैं भी इस्तेमाल करने जा रही हूँ, पर मेरे बाल थोड़े छोटे हैं और मुझे थोड़ा ही इस्तेमाल करना है, तो मैं शायद तीन या चार बार इसको इस्तेमाल करूँगी। तो मैं इसको एक छोटे से कटोरी में निकाल लूँगी और थोड़ा सा ही इस्तेमाल करूँगी जो मैं पहली बार करने जा रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि लगाने के बाद में मेरे बाल का कलर कैसा हो रहा है और कैसा लग रहा है। और साथ में आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने केराटिन करवाया था तो सलाह दी जाती है कि हम कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, क्योंकि बाल हेल्दी होने के लिए कंडीशनर होना बहुत ज़रूरी है। पर मैंने वही किया जो मेरे पास, जो मैं यूज़ इस्तेमाल करती थी, मैंने वही इस्तेमाल किया। अच्छा रिजल्ट है, कोई बुरा नहीं है, मगर किसी और ने मुझे ये सलाह दी अगर केराटिन मैंने किया है अपने बालों का तो वो शैम्पू एक स्पेशल अलग आता है, जो शैम्पू और कंडीशनर हम यूज़ करेंगे। और कल ही मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इसको वॉश किया है तो बहुत ज़्यादा मुझे सिल्की सिल्की से बहुत खूबसूरत मुझे लग रहा है, आप देख सकते हैं कि इसमें ज़रा भी हेयर नहीं है और मैं बाल भी नहीं टूटते, कुछ नहीं, काफ़ी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस मैं आपको भी सलाह दूँगी अगर आपके बाल डैमेज है, ख़राब है, तो आप भी केराटिन करवाइए और हेल्दी, क्योंकि बाल हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होती है। और कलर भी हम जो सर में अप्लाई करते हैं उससे मुझे ईचिंग हुआ करती थी, ऐसे ऐसे काटता था, रैशेज आती थी और बस यूँ जैसे लगता है सर में जुए हो गए, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो बहुत गंदा लगता है। हम कभी किसी के साथ में हो, किसी घर में जा रहे हो या मीटिंग में जा रहे हो और वहाँ पे इस तरह से करना काफ़ी गंदा लगता था। तो बस मुझे यही बहुत सारी परेशानी थी और उसकी वजह से ही मैंने इसका इस्तेमाल आज पहली बार करने वाली हूँ और ये इस्तेमाल करने के बाद आपको ज़रूर बताऊँगी। फिर मिलते हैं। मैंने थोड़ा सा ये इस्तेमाल किया है, ये थोड़ा सा मैंने लिया है और उतने ही सेम मैंने इसका भी इस्तेमाल किया है मैंने, और मैंने इसमें डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह से एकदम हमें मिक्स करना है और बस अब ये अप्लाई करना है। तो करते हैं,
अब देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर चुकी हूँ। इसे मैं 20 मिनट रखूँगी और उसके बाद मैं वॉश करूँगी। वॉश के बाद मैं मुझे ये अप्लाई करना है और उसके बाद में मुझे वॉश करना है। और मैंने इसको अच्छे से करने के बाद इसको थोड़ा मसाज भी किया है, जैसे मैंने बताया कि मसाज करना ज़रूरी है, तो मसाज भी किया है मैंने। अभी मैं 20 मिनट के बाद इसको वॉश करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने हेयर वॉश कर चुकी हूँ और सिल्की है जो हेयर वॉश करने के बाद हमें लगाना था तो मैंने यूज़ किया है। मगर मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा जो लिया था मैंने, तो उससे मेरा काम नहीं बना। मैंने दो बार हेयर वॉश किया है, पहले मैंने बहुत थोड़ा सा मैंने इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं, फिर मैंने पूरा हाफ़ यूज़ किया है कि मुझे आधा, ये भी देख सकते हैं कि मैंने आधा यूज़ किया है। क्योंकि पहली बार जब मैंने थोड़ा सा लिया, मैंने सोचा से दो से या तीन बार या चार बार मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊँगी, पर नहीं, जेंट्स के लिए ठीक है, लेडीज़ हम एक से दो बार ही यूज़ कर सकते हैं इसे। तो मैंने दो बार लिया क्योंकि पहली बार जब मैंने किया तो मेरे बाल कवर नहीं हुए थे और वाइट वाइट नज़र आ रहे थे। जो कलर तो चढ़ चुका था मगर जो यहाँ पे जो वाइट वाइट थे सारे वो नहीं हुए थे। फिर दोबारा मैंने इस्तेमाल किया और मैंने अपने आप से किया तो तभी भी ठीक नहीं लगे थे। तो एक पार्लर लेडी से मैंने हेल्प लिया है और फिर उन्होंने ये मिक्स करके मुझे अच्छे से मतलब लगाया है और थोड़ा ठीक ठीक ज़रा मोटा मोटा, क्योंकि मैंने पहले शायद पतला पतला लगाया तो वो नहीं हुआ था, तो दोबारा थोड़ा मोटा मोटा अगर यहाँ से ज़्यादा कवर किया। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे वाइट हेयर जो है वो कवर हो चुके हैं, ये देखिए हो चुके हैं। और इसके बाद में बाल धोने के बाद में जो कंडीशनर लगाना था मैंने उसका भी इस्तेमाल किया है, तो इससे काफ़ी स्मूथ हेयर है और अभी भी इसकी खुशबू आ रही है जो हमने लगाया है सर में, उसमें खुशबू और अच्छा है। मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर हम घर में से लगाते हैं तो शायद, जैसे मैंने दो बार हेयर वॉश किया है तो शायद मैंने मिक्स करने में इसका मैंने शायद मिस्टेक किया, कम ज़्यादा होगा या जो है इसके लिए नहीं हुआ था कलर, और दूसरी बार जब मैंने किया है और तभी अच्छे से कलर यहाँ पे आ चुका है। तो बस यही मैं अपना शेयर करती थी कि बाल की केयर होना बहुत ज़रूरी है और जो हमें सूट होता है उसी कलर का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रही हूँ, मुझे किसी के लिए बताने नहीं कहा है, मैं अपनी चीज़ें है, ये मेरी अपनी वीडियो है। तो मैं जो कर रही हूँ और अब भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, तो बस मैं अपनी फैमिली को बताना चाहती हूँ कि जो भी हम अपने सर चेहरा हो या सर हो, जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करें वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि सर बाल भी हमारे हेल्दी और खूबसूरत दिखने चाहिए ऐसे, और चेहरा के भी हम बहुत केयर करते हैं, तो कोई भी इस्तेमाल ना करे जो है। और मैंने लोरियल के बारे में काफ़ी कुछ है कि इसके शैम्पू भी बहुत अच्छे हैं, तो मैडम भी कुछ बताएंगे कि वो शैम्पू उन्होंने भी काफ़ी यूज़ किया है मगर वो सामने नहीं आएंगे, तो आप बताएंगे मैडम। मैंने किसी का सुन के घर पे मैंने स्मूदनिंग करवाया था खुद के हाथों से मेरी फ्रेंड के हेल्प लेके, तो वो उसके वजह से मेरे बाल बहुत डैमेज हो चुके थे। जैसे मम्मी ने कहा कि वो बालों की केयर करना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार मैंने फिर मेरे बाल जो काफ़ी गंदे हो चुके थे स्मूदनिंग के वजह से, तो इसके लिए मैंने लॉरियल का शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ किया था। उसके बाद मेरे जो नेचुरल हेयर्स थे जो डैमेज हो चुके थे पूरी तरह, एक प्लास्टिक के झाड़ू के जैसे जो बाल बन चुके थे, वो लॉरियल शैम्पू के वजह से मेरे नॉर्मल बाल वापस मुझे मिल चुके। तो अब भी प्लीज़ लॉरियल का ट्राई करना, इसके लिए हम किसी ने कुछ पैसे नहीं दिए, ये हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि आप मम्मी की यूट्यूब फैमिली हो और फैमिली के साथ रिव्यू शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। तो आपने सुना, बस हमारी फैमिली, हम लोग घर में भी इसी तरह से सब मिल के करते हैं और मेरे बच्चे मुझे हेल्प करते हैं, मेरी बहू मुझे हेल्प करती है, तो मैं भी आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपने हेयर या अपने चेहरे का जो भी है हम उसको केयर करें तो सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, फिर हम कोई अच्छी वीडियो के साथ में आपको मिलेंगे। बाय।